Hello, this is for children of Syria. रोनाल्डो को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, हर मैच के पहले और बाद में ये होता है। तो भाई साहब गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने देखा कि टेबल के ऊपर दो कोका कोला की बोतल और एक पानी की बोतल पड़ी है। तो उन्होंने दो कोका कोला की बोतल को हटाकर पानी की बोतल को उठाकर सिर्फ दो शब्द कहे, वो दो शब्द थे ड्रिंक वाटर। बस इन 25 सेकंड का असर यह हुआ कि कोका कोला के शेयर्स धड़ाधड़ गिरने लगे, और छोटा मोटा नहीं गिरे भाई साहब, $4 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ रुपए तक गिर गए। वैसे आप समझ पा रहे हो कि रोनाल्डो क्या कहना चाहते होंगे। बाय द वे इसे कहते हैं बाप ऑफ ब्रांड्स। आंख भी झपकाते ना ये लोग तो दुनिया हिलने लगती है, और खुद को ऐसी ब्रांड बनाने के लिए रोनाल्डो ने खुद को तपा दिया है, जी जान एक कर दी है, ये बात दुनिया जानती है। कौन जानता था कि गरीबी में पलकर जवान होने वाले एक बच्चे की वजह से कंपनी को अरबों डॉलर्स का खसारा उठाना पड़ेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो मशहूर फुटबॉलर ने अपने सामने पड़ी कोका कोला की बॉटल्स को उठाकर साइड पे रखा और पानी की बॉटल को अपने सामने रख लिया। सिर्फ इस वजह से कोका कोला कंपनी को 3 दिन के अंदर $4 बिलियन का खसारा उठाना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोका कोला की सीनियर मैनेजमेंट टीम ने हंगामी बुनियादों पर रोनाल्डो से राबता किया और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर महज 40 सेकंड की कोका कोला के लिए एडवर्टाइजमेंट यानी तशहीरी मुहिम के लिए $50 करोड़ की ऑफर की। कुछ जराए के मुताबिक ये ऑफर $1 अरब की थी। अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि उसकी जगह अगर हमारा कोई अपना प्लेयर होता तो क्या करता। लेकिन मजबूत किरदार इंसान की शख्सियत की खूबसूरती का जामन है। इस पर रोनाल्डो ने तारीखी जवाब दिया कि वो चीज जो मैं अपने लिए पसंद नहीं करता और मैं अपने बच्चों को भी उससे दूर रहने की तलकीन करता हूं, तो महज डॉलर्स की खातिर मैं दूसरों को और दूसरों के बच्चों को इसकी प्रमोशन कैसे कर सकता हूं, इसके पीने का मशवरा कैसे दे सकता हूं। क्या ये वही अल्फाज नहीं जो आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि एक मोमिन वो है जो जो चीज अपने लिए पसंद करे तो दूसरे अपने मोमिन भाई के लिए भी वही चीज पसंद करे। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, मोमिन की ये पहचान है। लेकिन हम हमारे जो इखलाकियात थी, हमारी जो मॉरल वैल्यूज थी, वो अगयार ने अपना ली हैं, लेकिन हम अमल से खाली हो गए हैं। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। कितनी बड़ी ऑफर्स को ठुकरा दिया सिर्फ एक पॉइंट की खातिर कि वो चीज जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता मैं दूसरों को इस्तेमाल करने का मशवरा कैसे दे सकता हूँ।